Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 22nd September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program, in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that, you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. लेन गाइडलाइन एक्सप्रेसिंग इट्स एंग्विश एंडीचे डिबेट्स ऑन टीवी चैनल तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, जो विजुअल मीडिया है द चीफ मीडियम ऑफ द हेट स्पीच और यहां पर गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट यहां पर म्यूट विटनेस क्यों है और गवर्नमेंट इसको एक ट्रिवियल मैटर की तरह क्यों ट्रीट कर रही है फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिबेट्स के दौरान किसी एक कम्युनिटी को रिडिक्यूल किया जाता है जिसका यहाँ पर डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है द बेंच अंडर की हेट की वजह से टीआरपी आती है और टीआरपी की वजह से प्रॉफिट आता है इन सेट इट विल कंसिडर लेइंग डाउन सम गाइडलाइंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को ले डाउन किया था अगेंस्ट सेक्शुअल हेरसमेंट एट वर्क प्लेस तो उसी लाइन्स के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को ले डाउन करेगा जब तक यहाँ पर लेजिस्लेचर किसी लॉ के साथ नहीं आता है इस मैटर पर वॉट वी हैव इन माइंड फॉर एग्जाम्पल वेन यू कंडक्ट एन इंटरव्यू तो उसके लिए एक मैथडोलॉजी होनी चाहिए तो यहाँ पर बेसिकली गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाएगा बाई द कोर्ट नाव द मैथडोलॉजी वुड बी वॉट इज द रोल ऑफ द एंकर अगर एंकर ही यहाँ पर ज़्यादातर टाइम ले लेगा इफ द क्वेश्चन ऑफ़ द एंकर इज सो लॉन्ग फाइनली द टाइम जो यहाँ पर पर्सन को दिया जाएगा आंसर देने के लिए वो यहाँ पर बहुत कम होगा एंड इवन इन दैट शॉर्ट पीरियड ही इज एक्चुअली रन डाउन ही इज़ मेड इं टू सम काइंड ऑफ अ रग यू हैव टू बी फेयर टू एवरी वन सो दैट इज़ वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन सेग अपार्ट फ्रॉम द काउंटअर्स ऑफ हेट स्पीच टिल इट इज डिफाइंड अप्रोप्रिएटली बाई द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर तो तब तक के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन्स को ले डाउन करेगा ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है द बेंच आज गवर्नमेंट वेदर इट प्रपोज टू कम अप विद अ लॉ टू रेगुलेट हेट कॉन्टेंट इन टी वी प्रोग्राम इट सेट जब तक यहाँ पर लॉ नहीं आता है तो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है बाई अ कोर्ट कि यहाँ पर गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाए ऑन द लाइन्स ऑफ विशाखा अगेंस्ट सेक्शुअल हेरसमेंट एट वर्क प्लेस तो विशाखा गाइडलाइंस यहाँ पर किससे एसोशिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए अब हम आगे चलते हैं मेक्रॉन एंड यू एस साइट मोदीज़ नॉट एरा ऑफ वॉर रमा पुतिन तो यहाँ पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी तो उस दौरान यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही थी कि ये जो एरा है ये यहाँ पर वॉर का एरा नहीं है तो उसी बात को यहाँ पर रीट्रीट किया है मैक्रॉन ने डेज़ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल रशियन प्रेसिडेंट व्लादीमिर पुतिन दैट टोडेज एरा इज़ नॉट अ वार फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रॉन एंड यू एस नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साइटेड दिस रिमार्क कि यहाँ पर पुतिन को वॉर को एंड कर देना चाहिए मैक्रॉन ऑल्सो सेट कि यहाँ पर जिन कंट्रीज़ ने चूज़ किया है कि वो यहाँ पर न्यूट्रल है या नॉन अलाइंट हैं तो वो यहाँ पर मिस्टेकन है और उनकी यहाँ पर हिस्टोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर बोलें फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है दैट इफ समथिंग सिमिलर हैपन्स टू दम बाई अ मोर पावरफुल नेबर नो बडी वुड वॉन्ट दैट रीजनल कंट्रीज यहाँ पर साइलेंट रहें नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज राइट जब उन्होंने ये कहा था कि दिस टाइम इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर इट इज़ नॉट फॉर रिवेंच अगेंस्ट द वेस्ट और फॉर अपोजिंग द वेस्ट अगेंस्ट द ईस्ट इट इज़ द टाइम फॉर अ कलेक्टिव टाइम फॉर आर सॉवर्न इक्वल स्टेट्स टू कोप टुगेदर विध चैलेंज जो कि हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का चैलेंज फेस कर रहे हैं तो इन चैलेंज को कोप करने की ज़रूरत है उसके लिए सारे कंट्रीज को साथ आने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर ये बात कही गई है कि यहाँ पर पोतेन ने इंटरनेशनल ऑर्डर को वॉयलेट किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके तो ये सारी बातें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट ड्राफ्ट बिल

द टॉप प्लेटफॉर्म सच एस व्हाट्सएप एस टेलीकॉम सर्विस रिक्वायरिंग गवर्नमेंट तभी वो उसके बाद यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जैसे यहां पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वैसे ही इनको भी यहां पर लाइसेंस लेना पड़ेगा इन अ ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिल्ड इन पब्लिक डोमेन लेट वेंसडे तो सबसे पहले तो यहां पर डायल्यूट किया जाएगा जो क्रूशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं ट्राई को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द ड्राफ्ट विल कॉन्सोलीडेट्स थ्री सेपरेट एक्ट्स जो कि यहाँ पर करंटली गवर्न करते हैं टेली सेक्टर को द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ एटीन इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ नाइनटीन एंड द टेलीग्राफ वायर्स एक्ट ऑफ नाइनटीन इन द ड्राफ्ट बिल द गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड इंटरनेट बेस्ड एंड ओ कम्युनिकेशन सर्विसज सच एज व्हाट्सएप कॉल्स फेस टाइम एंड गूगल मीट एक्सेट्रा अब इसमें यह भी लिखा है द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो स्टेट्स दैट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी और रिसीव की जाएगी ओवर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज तो इनको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है बाय एन ऑथोराइज ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवर्निटी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है कम्युनिकेशन को अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्हाट्सएप में तो एन टू एंड इनक्रिप्शन होता है तो ऐसे में कैसे इंटरसेप्ट किया जाएगा ये यहाँ पर क्वेश्चन है इट इज़ अनक्लियर हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कुड पोटेंशियली इंपैक्ट कॉल्स ओवर व्हाट्सएप जो कि यहाँ पर टिपिकली एंड टू एंड इनक्रिप्टड होती है और यहाँ पर कंपनी भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे इंटरसेप्ट करेगी तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है ओ टी टी प्लेटफॉर्म डू नॉट ब्रिंगिंग ओ टी टीज अंडर द एम्बि टेलीकॉम सर्विसज मीन्स दैट द ओ टी टी एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी सर्विसज को ऑफर करने के लिए इन द ड्राफ्ट द डी ओ टी हैज ऑल्सो सेट कि यहां पर एंटीटीज को एग्जेम्ट किया जा सकता है कि उनको यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर वो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो इन द ड्राफ्ट द डी ओ टी हैज ऑल्सो सेट दैट इट कुम एंटीटीज फ्राम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिंग लाइसेंस इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट अब हम आगे चलते हैं तो कल पूसा बायो बायोडिकम्पोजर हमने डिस्कस किया था आज भी पूसा बायो बायोडिक्पोजर यहाँ पर न्यूज़ में है तो फंगाई को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कैप्सूल्स बनाया जाता है उसके अंदर जैगरी मिक्स की जाती है बेसन या चिकपी फ्लावर मिक्स किया जाता है और यहाँ पर एक लिक्विड सल्यूशन बनाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टबल का डिग्रेडेशन होता है लेकिन यहाँ पर फार्मर्स ने यह बताया है कि जो डिग्रेडेशन होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है तो फॉर एग्जाम्पल कृष्ण दबस 42 टू अ फार्मर इन नॉर्थ वेस्ट डेलीस विलेज वॉज इन हरी टू गैट अ पार्ट ऑफ इस फील्ड रेडी फॉर द अपकमिंग मस्टर्ड क्रॉप लेकिन यहाँ पर डिग्रेडेशन स्टबल का नहीं हो पाया द डिकम्पोजर टेक्स टाइम टू वर्क अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज और फार्मर इतना टाइम यहाँ पर वेट नहीं कर सकता है इफ़ द क्रॉप इज हारवेस्टेड अराउंड द एंड ऑफ अक्टूबर और यहाँ पर वेट करेंगे तो वीट क्रॉप की सोइंग में यहाँ पर डिले हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर लॉसेज होंगे तो जो यहाँ पर सोल्यूशन बताया जा रहा है कि स्टबल बर्निंग का सल्यूशन निकल आया है पूसा बायोडिकम्पोजर एज सच ये यहाँ पर सोल्यूशन अभी दिख नहीं रहा है इंडिया वॉज सस्पेशियस ऑफ यू एस फॉर नियरली फाइव टेकेट्स फॉर नियरली फाइव टैकेट्स इंडिया लुकड अपॉन द यूनाइट नेशन विद सस्पेशन अगर सस्पेशन के साथ नहीं भी देखा तो कौशन के साथ तो जरूर देखा है एंड इट्स ओवरऑल फॉरन पॉलिसी असमेंट ऑफ द यू एस वॉज ऑफ डीप कौशन बट द कंट्री हैज़ नाउ ओवरकम द एजम्पन्स और यहाँ पर डिफरेंट रिलेशनशिप हमने यहाँ पर फोर्ज की है अमेरिका के साथ टेक अर एटीट्यूड टूवर्ड्स दूनाइटेड स्टेट्स बिटवीन द लेट फोटीज एंड आई वु से टू थाउजेंड द ईयर क्लिंटन केम टू इंडिया फॉर ऑलमोस्ट फिफ्टी ईयर्स फॉर वेरियस रीजन आई एम नॉट से हम यहाँ पर गलती में थे या यू एस यहाँ पर गलती में था बट फैक्ट ये कि हम यहाँ पर यू एस को सस्पेसन के साथ देखते थे इट वॉज अ वेरी सब्सटैंडिव रिलेशनशिप बट द ओवरऑल फॉरन पॉलिसी असमेंट ऑफ द यू एस वॉज ऑफ डीप क्वेश्चन अगर यहां पर डिप सस्पेशन ना भी हो नाउ द फैक्ट इज वेन द वर्ड बिगेन टू चेंज द टेनिबिलिटी ऑफ दैट केम इन टू क्वेश्चन और जो जब यहाँ पर न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी तब भी हम यहाँ पर सस्पेशन के साथ ही देख रहे थे कि कहीं यूएस को यहाँ पर कुछ मिल तो नहीं रहा है हमें न्यूक्लियर डील प्रोवाइड करके वी स्ट्रगल इवन द न्यूक्लियर डील इन टू थाउजेंड फाइव टू एट वॉज अ स्ट्रगल बिकॉज ऑन द वन हैंड यू एस हमें डील ऑफर कर रहा था जिससे हमें एडवांटेजेस दिख रहे थे वॉट हेल्ड बैक वॉज एन इन नेट हिस्टोरिकल डीपली रूटेड पॉसिबली वेलीडेटेड सस्पेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट विल ई डब्ल्यू एस कोटा ईच इंटू फिफ्टी परसेंट सेट असाइड फॉर जनरल कैटेगरी विद द सेंटर असर्टिंग दैट टेन परसेंट कोटा फॉर ई डब्ल्यू एस तो ये किसी तरीके से यहाँ पर एस सी एस टीज या ओ बी सी के कोटा को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो ये यह तो यहाँ पर क्लियर हो गया लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो दस परसेंट ई डब्ल्यू एस को कोटा दिया गया है तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और यहाँ पर जो ओ बी सी को बिलोंग करते हैं क्रीमी लेयर में तो उनके लिए तो जो पीस ऑफ केक बचा वो तो कम हो गया वो तो फिफ्टी परसेंट से फोर्टी परसेंट ही रह गया तो प्रिसाइडिंग ओवर अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विच इज हेयरिंग पटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वन जीरो थर्ड अमेंडमेंट जो कि यहाँ पर ई डब्लू कोर्ट का इंट्रोड्यूस किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोल्ड अटॉर्नी जनरल दैट वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पटिशनर वॉज दैट क्रीमी लेयर जो यहाँ पर ओ बी सीज में है लेकिन उनको यहाँ पर ओ बी सी का बेनिफिटिटि नहीं मिलता है ओ बी सी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है हु आर नॉट एंटाइटल टू द फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन एंड देयर बाई कॉम्पीट करेंगे वो फिफ्टी परसेंट जनरल कोटा में लेकिन ये जो फिफ्टी परसेंट जनरल कोटा है ये तो फोर्टी परसेंट ही रह गया क्योंकि दस परसेंट यहाँ पर ई डब्ल्यू एस को कोटा दे दिया गया द ओ बी सीज हुर अबव द क्रीम लेयर फॉर दैम द पीस ऑफ द केक और द केक गेट रिड्यूस फ्राम फिफ्टी परसेंट टू फोर्टी परसेंट

विमेन हु डू नॉट वेयर द हिजाब एज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर एग्जाम्पल टर्की और फ्रांस में यहाँ पर हिजाब पहना प्रोहिबिटेड है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ की विमेन अगर हिजाब नहीं पहन रही है तो वो यहाँ पर नॉन मुस्लिम हो जाती हैं इसीलिए इन इंस्टांसिस को देखकर हम कह सकते हैं कि हिजाब पहना मुस्लिम्स में एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो ये यह यहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट का स्टैंड है द कर्नाटका गवर्नमेंट टोल द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे वाइल एक्सप्लेनिंग वाई द प्रैक्टिस विल नॉट क्वालिफाई एज एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टुडे वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टर्स एंड मदर्स जो कि इस्लामिक फेथ को बिलोंग करते हैं लेकिन एज अ मैटर ऑफ चॉइस वो यहाँ पर हिजाब को वेयर नहीं करते हैं वी हैव कंट्रीज़ लाइक फ्रांस एंड टर्की जिन्होंने यहाँ पर प्रोहिबिट कर रखा है वेयरिंग ऑफ हिजाब बट इन बोथ दिस सिचुएशन वेन अ वमेन डज नॉट वेयर अ हिजाब क्या वो यहाँ पर थोड़ी कम इस्लामिक हो जाती तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिजाब पहनना एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो ये यह यहाँ पर कर्नाटक का गवर्नमेंट का स्टैंड है सम ऑफ द टेस्ट टू अंडरस्टैंड क्या हिजाब यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इफ़ इट्स समथिंग सो फंडामेंटल विदाउट विच यू आर गोइंग टू ब नॉन मुस्लिम ही कंटेंटेड दैट द राइट टू वेयर ड्रेस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन डिफाइंस ऑफ द स्कूल रेगुलेशन ये एक फंडामेंटल राइट right नहीं हो सकता राइट टू वेयर अ हजाब इन अ स्कूल इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है जब कंक्लूजन आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे Non communicable diseases led to 66% of deaths in India in 2019.

किया जाएगा ओवर सिक्सटी लाख पीपल डाइट ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया इन ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर सरफासी एक्ट मेंशन है तो सरफासी एक्ट यहाँ पर बेट डेट को डील करने के लिए है दिस लॉ अलाउज़ बैंक कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को प्लेच किया गया था लोन लेने से पहले तो उन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर जो बैंक है वो मैनेज कर सकता है सेल कर सकता है टू रिकवर ड्यूज़ विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन दिस लॉ अलाउज बैंक टू टेक कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज प्लेस्ड अगेंस्ट द लोन मैनेज और सेल देम टू रिकवर ड्यूज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन तो यहाँ पर सरफासी एक्ट मैंशन था तो हमने डिस्कस कर लिया पैनल फॉर्म्ड फॉर यू जी सी ए आई सी टी ई टू वर्क टुगेदर ऑन हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात की गई थी कि हायर एजुकेशन में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी हैंडनेस है इसीलिए हमें रेगुलेशन को कम करने की ज़रूरत है और एक ही रेगुलेट्री बॉडी यहाँ पर होगी जो कि होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पर पैनल बनाया गया है कि यू और ए आई यहाँ पर साथ में काम करने की कोशिश करें ऑन हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ तो कह सकते हैं कि ये यह यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्वेंटी डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन एज हैंडेड इट हैज़ रिकमेंडेड दैट अ कॉमन रेगुलेटर बी सेट अप टू एड्रेस द इशूज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़ तो इसके लिए यहाँ पर प्रपोज किया गया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए बिल भी आया था जो कि लैप्स हो गया इन अ डेवलपमेंट दैट सेट्स द स्टेज फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक कमेटी को बनाया गया है टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर यू जी सी एंड ए आई सी टी ई टू वर्क टुगेदर एज अ सिंगल रेगुलेटरी एंटिटी द एच ई सी आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी रिफॉम जो कि यहाँ पर प्रपोज किया गया था इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी द गवर्मेंट हेड अटैम्प्टमर्जिंग द टू प्राइम रेगुलेट्री एजेंसीज इवन बिफोर एन ई पीज लॉन्च बट द डिसीजन यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो पाया फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिल की बात की गई है जो कि यहाँ पर दो हज़ार अट्ठारह में लैप्स हो गया था अब हम आगे चलते हैं एक्सप्लोरिंग डिविजन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे द कॉन्टेस्ट टेस्ट ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कांग्रेस में ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके बारे में है नेक्स्ट है अ सेफ जर्नी तो इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है जो भी यहाँ पर फैक्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो एन सी आर बी के डेटा से हमें ये पता चला है अराउंड वन पॉइंट फाइव लैख पीपल डाई एवरी ईयर ऑन द कंट्रीज़ रोड इन द पास्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने जर्स लिए हैं फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट दो हज़ार उन्नीस के तहत यहाँ पर फाइंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था फॉर स्ट्रेंजेंट फाइन्स फॉर ट्रैफिक रूल्स इनफ्रेंचमेंट बट एज द एन सी आर बी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फिगर्स इंडिकेट कि रोड सेफ्टी यहाँ पर सिर्फ लॉज को इन्फोर्स करके नहीं हो जाएगा द रिसेंट कॉन्वर्सेशन है लाइट ऑन सेफ्टी फीचर्स इन अकार फॉर एग्जाम्पल रेयर सीट बेल्ट एंड एयर बैग्स जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैश का इम्पैक्ट कम हो सकता है द पॉलिसी मेकर्स अटेंशन ज ऑलसो बी डायरेक्टेड यहां पर जो कंट्रीज के रोड्स और हैं, उनकी स्टेट बहुत ज्यादा खराब है नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप तो यहाँ पर मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात की गई मास्टर ऑफ द रोस्टर यहाँ पर होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर प्रिवेज है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर बेंचेस को बनाते हैं जो कि केसेस को हेयर करती है सो मच हैज बीन सेट एंडाउट जजमेंट दैट है सुप्रीम कोर्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन बेस्ट टोर्ड ऑन द फैक्ट एंड लॉज एंड द जजमेंट इन दीज केसेज पर एक यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है फॉल्ट लाइन ये है कि हमें रूट ऑफ द प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत है सिंपली पुट इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पिकिंग द जज फॉर द केस कि कौन से केस को यहाँ पर कौन सा जज सुन रहा है

लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जज है हो सकता है कि उसको ये लगता है कि लिबर्टी थोड़ी कम होनी चाहिए जिसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट आसानी से फंक्शन कर सके दैट इज वाई द चॉइस ऑफ द जज टू हेयर द केस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेयर द एंटायर कोर्ट और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इट सीनियर मोस्ट जजेस द प्रॉब्लम ऑफ पिकिंग द जज फॉर द केस इज एबसेंट अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जज के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर यह बताया गया था कि उन पर्टिकुलर जज ने यहाँ पर पी एम एल ए के केस को सुना और उन्होंने पी एम एल ए के सारे प्रोविजन्स को अपहेल्ड कर दिया हिज जजमेंट अपहोल्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन इट्स एंटायरिटी हैज़ गिवन वास्ट अनचेक्ड पावर्स ऑफ सर्च सीजर सम्मन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स और जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई और यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि जिसकी वजह से प्रोसेस ही एक पनिशमेंट बन गया है इट्स हाई टाइम अटेंशन वॉज फोक्सडन द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज मास्टर ऑफ द रोस्टर जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच यहाँ पर सुनेगी डिस द नंबर ऑफ द बेंच एंड क्रूशली इट्स कॉम्पोजिशन इफ द कलेजियम इज प्रेफरेबल टू द सोल वॉइस ऑफ द चीफ जस्टिस इन सेलेक्टिंग जजेस पर हैप्स इट ऑट टू बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग कि कौन सा जज यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट केसेस को सुनेगा तो ये यह यहाँ पर सल्यूशन दिया गया है नॉट जस्ट अ मैनस प्लस वन ग्लोबली वन इन थ्री वेमेन यहाँ पर एक्सपीरियंस करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और ये 2018 हज़ार अट्ठारह की यू रिपोर्ट में ऐसा है डिस्पाइट अंडर रिपोर्टिंग मैनी रिपोर्ट सजेस्ट की सिमिलर फिगर यहाँ पर इंडिया के लिए भी होगा द सेम यू एन रिपोर्ट सजेस्ट द मोस्ट डेंजरस प्लेस जो यहाँ पर वेमेन के लिए है, वो यहाँ पर होम है क्योंकि होम में ही यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर वेमेन एक्सपीरियंस करती है ऑन द वन हैंड वी टॉक अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन कॉरपोरेट इंडिया और दूसरे तरफ हमें ऐसे स्टेटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं लेट स्टार्ट विद हाउ आर इमेजिन

द रिप्रजेंटेशन ऑफ वेमेन इन हिंदू माइथोलॉजी जो कि यहाँ पर सेम थाट को फॉलो करता है इन मॉडर्न इंडिया सक्सेसफुल बिजनेस मैन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर पी गोयगा का एग्जाम्पल दिया गया है हु क्रिएटेड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स इन द ट्वेंटी सेंचुरी और उन्होंने इसका क्रेडिट अपनी वाइफ को दिया अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विमेन हमेशा शेडो में ही हमें क्यों दिख रही है वाइल इट माइट अपीयर कि वेमेन ने यहाँ पर वॉल्टरली यहाँ पर बैक सीट को चूज़ किया है लेकिन अगर हम देखें कि अगर वॉल्टरली भी उसका ये डिसीजन है तो वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की, की वजह से आया है इट इज़ ऑफन इन वॉलन्ट्री प्रेशर दैट फोर्सेज के यहाँ पर विमेन बैक सीट ले लेती हैं प्रेशर्स दैट अराइज फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अलावा अपब्रिंगिंग और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वेदर इट वॉज वॉलन्ट्री और इन वॉलन्ट्री वॉट इज एविडेंट दैट वेमेन वॉन्ट रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप द मैन मस्ट रियलाइज कि वेमेन इन्फीरियर नहीं है उसके इक्वल ही है हर चॉइस टू बी अ को पैसेंजर डज नॉट मेक हर इन्फीरियर बट एन इम्पॉर्टेंट टीम प्लेयर वाइल सम मैन क्लियरली रिकोगनाइज एंड एक्नोलेज द रोल दैट वेमेन प्ले इन दियर लाइफ्स अदर्स गो टू द अदर एक्सट्रीम और यहाँ पर वेमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं अब्यूज़ करते हैं फिजिकली एंड इमोशनली तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है तो इसको एजुकेशन से चेंज किया जा सकता है वेल्ड एजुकेशन इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन मोर देन वन वे द नंबर वन रीज़न इज दैट वेमेन यहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ती हैं उसका रीज़न ये है कि वेमेन यहाँ पर फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं नंबर वन रीजन वेमेन डू नॉट लिव अ टॉक्सिक वॉलेंट रिलेशनशिप इज बिकॉज ऑफ देर फाइनेंशियल डिपेंडेंस फाइंडिंग वेज कि हम यहां पर इंडियन वुमेन को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें वेमे को उसके लिए हमें अप स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत है वेमेन को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है वी नीड टू इंपावर देम फाइनेंशियली वी नीड टू टीच देम कि कैसे अर्न करना है और कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट वमेंडेड एज लेट एज टू थाउजेंड फाइव और वेमेन को यहाँ पर सक्सेशन के लिए एलिजिबल किया गया एज डॉटस वी नी

द सुप्रीम कोर्ट इन अ फुल कोर्ट हेल्ड ऑन ट्यूजडे डिसाइड कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा इससे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी द डिसीजन कम्स नियरली फोर ईयर्स आफ्टर अ प्ली अज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की हिस्ट्री ऑफ द केस द हु साइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस इन मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि उनका यहाँ पर क्या व्यू पॉइंट है तो यहाँ पर ए जी ने क्या रिकमेंडेशन दिया वो हम डिस्कस करेंगे इन इज रिस्पॉन्स टू द कोर्ट द ए जी रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग लाइव स्ट्रीमिंग एज अ पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले यहाँ पर सी जी आई के कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए एंड ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस बाद में इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल डिटरमाइन वेदर और नॉट लाइव स्ट्रीमिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल कोर्ट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन कोर्ट्स पैन इंडिया तो पहले यहाँ पर पायलट बेसिस पर करना है उसके बाद यहाँ पर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा द ए जी साइटेड डीकंजेशन ऑफ कोर्ट्स एंड इम्प्रूविंग फिजिकल एक्सेस टू कोर्ट्स फॉर लिटिगेंट्स जिनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो यहाँ पर ए जी ने सजेस्ट की विच इंक्लूडेड अलॉइंग ट्रांसक्रिप्ट एंड आरकाइविंग द प्रोसीडिंग्स हाउ एवर ए जी ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए कि कोर्ट यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को विदहोल्ड भी कर सकता है इसके अलावा कुछ केसेज में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को परमिट नहीं भी कर सकता फॉर एग्जाम्पल मैट्रीमोनियल मैट मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ जोवेन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट लाइफ ऑफ द यंग ऑफेंडर्स मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट विक्ट और डिफेंडेंट्स कैन डिपोज ट्रूथफुल एंड विदाउट एनी फीयर टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशली और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेक्शुअल असॉल्ट एंड रेप मैटर्स वेयर पब्लिसिटी वुड बी एंथीथेटिकल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये ऐसे केसेस जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटीमेंट्स प्रोवोक हो सकते हैं और इसकी वजह से एनमिटी यहाँ पर प्रोवोक हो सकती है अमंग कम्युनिटीज तो ऐसे में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी लाइव स्ट्रीमिंग इन हाई कोर्ट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी 2021 में करंटली द झारखंड कर्नाटका मध्य प्रदेश ओडिशा एंड पटना हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीम देअर प्रोसीडिंग्स वॉट हैपन्स एल्स तो यूएस में क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कंसर्न्स क्या हैं ब्रॉडकास्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी बट देयर आर कंसर्न्स अराउंड द इंपैक्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग फॉर एग्जांपल आपने यहां पर यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें ऐसे टाइटल्स लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लिक बेट टाइप के फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट सुपर एंग्री ऑन आर्मी ऑफिसर तो बेसिकली इसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है अब हम आगे चलते हैं हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस अ थ्री जज बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस धूलिया ऑन मंडे सेट दैट देयर वर कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ऑन वेन एंड हाउ द हेयरिंग ऑन द सेंटेंसिंग शोड टेक प्लेस तो इसके बाद इस केस को यहाँ पर रेफर कर दिया गया फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अंडर सेक्शन 235 थर्टी फाइव टू ऑफ द सी आर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर अक्यूज कन्विक्ट होता है द जज शैल हेयर द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस और उसके बाद ही यहाँ पर सेंटेंस को पास किया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ तो पहले यहाँ पर अक्यूज को हेयर किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस पास किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ फिर यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात की गई है जहाँ पर डेथ पेनल्टी को अपहील्ड किया गया था लेकिन ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जाएगा इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस क्रूशली द रूलिंग ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि यहाँ पर एक सेपरेट सेंटेंसिंग हेयरिंग की जाएगी और जज को यहाँ पर पर्सुएट करने की कोशिश की जाएगी कि डेथ सेंटेंस क्यों नहीं देना चाहिए द पोजिशंस वर री एट्रेटेड इन सेवरल सब्सिक्वेंट रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग इन मिठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब अटी टू रूलिंग बाई अ फाइव जज बेंच दैट स्ट्रक डाउन मैंडेट्री डेथ सेंटेंस एज इट फॉल्स फाउल ऑफ द राइट ऑफ एन अव्यूज टू बी हर्ड बिफोर सेंटेंसिंग हाउ एवर कोर्ट्स हैव गि कन्फ्लिक्ट एटलीस्ट थ्री स्मालर बेंच रूलिंग्स हैव हेल्ड दैट वाइल सेपरेट सेंटेंसिंग हेयरिंग इज इन वॉयलेबल लेकिन यहाँ पर सेम डेज द कन्वेक्शन को यहाँ पर अलाउ किया गया था लेकिन अगर सेम डे ऑफ द कन्वेक्शन को अलाउ कर रहे हो तो बेसिकली यह नेचुरल जस्टिस को वॉलेट करता है अट टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टडी बाई द प्रोजेक्ट थर्टी नाइन ए अ क्रिमिनल रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप इन देशनल लॉ यूनिवर्सिटी फाउंड दैट इन फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द केसेज जो कि यहाँ पर स्टडी किए गए हैं उसमें यहाँ पर सेम डे में ही सेंटेंस की हेयरिंग हुई है और सेम डे ही यहाँ पर प्रनाउंसमेंट ऑफ गिल्ट हो गया है फिर यहाँ पर नेक्स्ट केस की बात की गई है दो हज़ार उन्नीस रूलिंग की अ थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस टू लाइफ एम्प्रजनमेंट ऑन द ग्राउंड दट एडिकुएट सेंटेंस हेयरिंग यहाँ पर नहीं हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया था डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया था लाइफ इंप्रजनमेंट में वॉट आर मिटिगेटिंग सरकम तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो दी जाती है वो क्राइम के अकॉर्डिंग दी जाती है यहाँ पर सरकम को नहीं देखा जाता है इन मे इन मनोज एंड अदर्स वर्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द एबसेंस ऑफ ए लीगल फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग को कैसे यहाँ पर हैंडल करना है ऑल्सो डेथ पेनल्टी सेंटेंस इज लार्जली ड्रिवन बाई द क्राइम इन क्वेश्चन और यहाँ पर सरकम इंस्टांसिस अक्यूज के नहीं देखे जाते हैं तो सरकम इंस्टांसिस को भी यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल एज क्या है एजुकेशनल लेवल्स क्या है क्या कन्विक्स ने यहाँ पर कभी ट्रामा फेस किया है अपनी जिंदगी में फैमिली सरकम इंस्टांसिस कैसे हैं साइकोलॉजिकल इवेलुएशन किया जाएगा तो यहाँ पर सरकम इंस्टांसिस को भी देखने की ज़रूरत है कि कैसे सरकम इंस्टांसिस में यहाँ पर क्राइम किया गया है नेक्स्ट है हाउ अम्बेडकर सर्किट इज गुड टूरिज्म एंड गुड पॉलिटिक्स फॉर द बीजेपी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ऑन संडे अनाउंसड की यहाँ पर एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन बनाई जाएगी और वो यहाँ पर अम्बेडकर सर्किट को कवर करेगी द गवर्नमेंट हेड फोर्स्ट प्रपोज द अम्बेडकर सर्किट और पंचतीरथ इन ट्वेंटी सिक्सटीन प्राइम मिनिस्टर हैडसेट दैट द पंच तीरथ वुड इंक्लूड जन्मभूमि अम्बेडकर बर्थ प्लेस इन मध्य प्रदेश शिक्षा भूमि द प्लेस इन लंडन जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था और स्टडी किया था दीक्षा भूमि इन नागपुर वेयर वेरी इम्ब्रेज बुद्धिज़्म एंड महापरिनिर्वानन भूमि और द प्लेस ऑफ इट्स डिमाइस इन डेली और चैत्य भूमि द प्लेस ऑफ इट्स क्रमिशन इन मुंबई विद अ स्पेशल ए सी ट्रेन जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट फुट स्टेप्स ऑफ अम्बेडकर को चोइस करेगी तो उसके लिए यहाँ पर टूरिज्म भी इनक्रीज़ होगा द गवर्मेंट हेड आइडेंटिफाइड फिफ्टीन टूरिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम इन ट्वेंटी फिफ्टीन और यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट्स हैं रामायण एंड बुद्धि सर्किट अदर्स इंक्लूड कोस्टल सर्किट डेजर्ट सर्किट ईको सर्किट हेरिटेज नॉर्थ ईस्ट हिमालयन सूफी कृष्णा रूरल ट्राइबल एंड तीर्थन कार सर्किट्स विल नॉट ब्लफ ऑन न्यूक्स तो यहाँ पर व्लादिमिर पुतिन का ये कहना है कि अगर व्लादिमिर पुतिन कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को ये नहीं लगना चाहिए कि रशिया यहाँ पर सिर्फ ब्लफ कर रहा है प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ऑफ रशिया एक्सेरेटेड हिज वॉर एफर्ट और इन्होंने यहाँ पर बात की है पार्शियल मोबिलाइजेशन की तो जिन भी यूथ को यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है तो उनका यहाँ पर मोबिलाइजेशन किया जाएगा द फर्स्ट सच कॉल अप इन रशिया सिंस वर्ल्ड वॉर टू हाइट एंड टेंस विद द वेस्टर्न बैकर्स ऑफ यूक्रेन हु डिराइडेड इज एज एन एक्ट ऑफ वीकनेस और यहाँ पर डिस्प्रेशन का एक्टिस को बताया गया है और रशिया ने ये कहा है कि यहाँ पर रशिया कुछ भी कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज कर सकता है आगे चलते हैं बेरख्तार ड्रोन्स ये किसके हैं तो ये टर्की के बेरकतार ड्रोन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए तो टर्की सेल्स ड्रोन्स टू यू एज राइवल्स मैंट टाइज तो ये बे रख्तार तो ये आपको नाम पता होना चाहिए नेक्स्ट है यहाँ पर फेड रेजर्स रेट बाई सेवेंटी फाइव पी पी एस क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उसको ही यहाँ पर काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है सेमी कंडक्टर पी एल आई द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन वेंसडे चेंजेस टू द सेंटर्स रुपीज सेवेंटी करोड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम अब इसमें क्या चेंज किया गया है तो सबसे पहला चेंज यह किया गया है कि यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 50 परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेमी कंडक्टर तो पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं की गई थी पहले यहाँ पर यह कहा गया था कि साइज ऑफ द नोट के बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर नोट का साइज यहाँ पर फोर्टी नैनोमीटर टू सिक्सटी नैनोमीटर है तो तीस का यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा अगर यहाँ पर 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर है तो 40 परसेंट का सपोर्ट दिया जाएगा 28 नैनोमीटर एंड बिलो वर ऑफर्ड 50 परसेंट फिजिकल सपोर्ट तो बेसिकली नोट के साइज़ की बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह कहा है कि यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इर रिस्पेक्टिव ऑफ द नोट साइज़ इट ऑल्सो रेज द फिजिकल सपोर्ट फॉर कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स पैकेजिंग एंड अदर सेमी कंडक्टर फैसिलिटीज और इसको यहाँ पर फिफ्टी परसेंट कर दिया है पहले ये तीस फीसद था अस्बा लाइक मॉडल इन सेकेंडरी मार्केट अब अस्बा क्या है सेबी बी इज लुकिंग टू कम आउट विद एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट तो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के लिए लेकर आया जाएगा तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट है ये अभी सिर्फ प्राइमरी मार्केट के लिए है तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी आई के लिए सब्सक्राइब किया अभी वो आई आपको अलॉट नहीं हुआ है लेकिन जब आपने यहाँ पर आई के लिए सब्सक्राइब किया तो आपके अकाउंट से उतना मनी यहाँ पर लॉक हो जाएगा तो अस्बा इज़ एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एंड ऑथोराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इफ एन इन्वेस्टर इज अपलाइंग थ्रू अस्बा देर एप्लीकेशन मनी विल भी डेबिटेड जब आपको यहाँ पर आई पी ओ अलाट हो जाएगा जब तक आपको आई पी ओ यहाँ पर अलॉट नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट नहीं होगा इफ़ एन इन्वेस्टर इज अपलाइंग थ्रू अस्बा देर एप्लीकेशन मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ द एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन एन आई पी ओ द असबा सिस्टम हेल्थ एंडश्योर दैट मनी फ्रॉम एन इवेस्टर गैट्स मूवड ओनली जब यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे